न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास ने रेवाड़ी में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव के चलते चुनाव मैदान में उतरकर न केवल चुनावी गर्माहट पैदा कर दी है बल्कि भाजपा के लिए भी एक संकट खड़ा कर दिया है। इसी के चलते कापड़ीवास ने आज चेयरपर्सन उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की पत्नी उपमा यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली तो वहीं खुद को असल भाजपा बताया और कहा कि बीजेपी को अगर कोई अपनी बपोती समझता है तो यह उसकी भूल है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब अरविंद यादव चेयरमैन बने थे तो लगा था कि अब भाजपा भूल सुधारने लगी है, लेकिन दबाव इतना बड़ा कि फिर वापस वहीं आ खड़ी हुई और पार्टी राव इंद्रजीत सिंह के ही इर्द गिर्द घूमने लगी है। जहां तक निकाय चुनाव में टिकट का सवाल है तो टिकट लेने वाला अपने आका का तो वफादार हो सकता है लेकिन जनता का कभी वफादार नहीं हो सकता। गत विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय गलती से परिणाम बदल गए थे लेकिन इस बार स्थिति ठीक रहेगी और परिणाम जनता चाहेगी वो होगा। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन हाउस भी कभी परिवार से बाहर नहीं जा सकता। रही बात निर्दलीय चेयरपर्सन उम्मीदवार उपमा यादव की तो उन्हें उम्मीद है कि वह जनता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगी क्योंकि यह चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। चुनाव एक उत्सव होता है और उत्सव मनना चाहिए ब्याह की तरह से खुशी के साथ, तो अब ये उद्घाटन भी हुआ है और लड्डू भी बंटे हैं और हनुमान जी का दिन है आज और बजरंग बली जहाँ होते हैं वहाँ विजय निश्चित है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ अपने उम्मीदवार को, सतीश भाई प्रधान को, इनके सभी साथियों को और जो यहाँ एक सुखद और परिवर्तन की लहर के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं। हौसला बढ़ाने में सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव विकास के नाम पे है, ये चुनाव राजनीति को दिशा देने के नाम पे है क्योंकि राजनीति हमेशा परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है और जो स्थापित लोग हैं कई वर्षों से राज कर रहे हैं आज भी वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं और इस दादागिरी को तोड़ने के लिए ही ये चुनाव एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मैंने तो पहले भी कहा था कि हम असल बीजेपी कौन है, हम हैं हमारे साथी जो यहाँ आए हैं वो हैं सतीश प्रधान जी, ये भी बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी को अगर एक व्यक्ति अपनी बपोती समझ ले, जब अरविंद यादव जी बने थे चेयरमैन तो हमने कहा था कि बीजेपी अब सुधार के मोड में आ गई, अपनी भूल सुधार रही है, लेकिन दबाव इतना बढ़ा उसके बाद कि जहां से चली थी बीजेपी वहीं आ गई, इंद्रजीत के ही इर्द गिर्द घूमने लग गई। चलो चेयरमैन की टिकट दे दी, पार्षदों में भी जो बीजेपी के बहुत समर्पित उम्मीदवार थे उनको काट दिया और जो कभी बीजेपी की शक्ल नहीं देखी उनको टिकट दे दी। एक जो तो पहले कह दिया था कि कप्तान अजय सिंह जी खुद पार्षद MP लड़ना चाहते हैं, बेटा विधायक का लड़ना चाहते हैं, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वो चेयरमैन, परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, मैंने पहले कहा था और कप्तान साहब ने इसका खंडन किया था मेरी बात का कि हम अपने परिवार से किसी को नहीं उतारेंगे। अब आप ही बताइए ये उम्मीदवार परिवार का है या बाहर का है, जनता को आप बहका नहीं सकते। और इस लेवल पर जो पहले ही झूठ बोलते हैं, प्राइमरी में ही झूठ बोलने लग गए, ग्रेजुएशन के बाद ये क्या करेंगे, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो। विधानसभा में निशान की गलती से प्रधानमंत्री जी के आगमन से परिणाम बदल गए, स्थिति बहुत ठीक थी, इस बार स्थिति ठीक रहेगी और परिणाम जो जनता चाहती है, आज जो आम आदमी का मन है, क्योंकि ये चुनाव हमारा दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चुनाव परिवर्तन के लिए है, किसी की दादागिरी
साबित ना हो इसके लिए है। अब सब कुछ नहीं भी हो पाया, जो उस समय नहीं हो पाया वो हम अपने उम्मीदवार से इस सफलता के बाद जो कमी रह गई वो पूरी कराएंगे और मिलजुल के चलेंगे और रेवाड़ी शहर एक आदर्श शहर होगा कि निकाय चुनाव में टिकट पे चुनाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति टिकट लाने की दौड़ में रहता है वो टिकट देने वाले आका का वफादार होगा, जनता का वफादार नहीं होगा। बड़े भाई ने विधिवत रूप से इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और यही अपने कैंडिडेट का भी फार्म भरा के आएंगे। मैंने इन बड़े नेताओं को ये बताना है कि हम इस जो आप इसको कहते हो कि छोटी सी, ये क्या है ये नगर परिषद का चुनाव जिसको आप छोटा मानते हो, हम इसी को इतना बड़ा कर देंगे कि आप सांसद और मिनिस्टर के पास जाना भूल जाओगे। इस बात की हम आपसे जुम्मेवारी, विश्वास और आपको यकीन और भरोसा दिलवाते हैं कि आप सांसद को भूल जाओगे। हाँ, उस तरह का कमेटी में हम काम करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था है और जो आवारा पशु है उनका है, मतलब शहर को ऐसा कर जैसे एक घर में गृहिणी करती है साफ सफाई अपना व्यवस्थित, तो उसी तरह रेवाड़ी शहर को करना चाहते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर बढ़ते, भूल से भी कोई भूल होना।